डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मतलब क्या, इधर देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अपने पास कोई रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है एल और विड्थ है बी। तो लेंथ की वैल्यू सपोज अपने को गिवन है 5 ±0.1। तो 5 इसकी ट्रू वैल्यू है, 0.1 इसका एब्सोल्यूट एरर है। विड्थ इसकी गिवन है सपोज दैट अपने को 6 ±0.2। क्लियर है? अब अपने को इसका एरिया पूछा जाता है। तो देखो, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो अब ध्यान देना, अगर लेंथ में एरर है और विड्थ में एरर है तो पक्का जो एरिया है उसमें भी एरर होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये हो जाएगी देखो 2l + b। तो सर्कमफेरेंस में भी एरर आएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसमें एरर है या फिर इसमें एरर है तो पक्का इसका जो एरिया कैलकुलेट करेंगे उसमें भी एरर होगा। इसकी सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे उसमें भी एरर होगा। तो इस टाइप से जो एरर है ये प्रोपोगेट होता चला जाता है आगे की जो कैलकुलेशन है उसमें। तो अब हम यहाँ पे जो एरर है उसको पढ़ेंगे। जब हम कोई भी दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं या उनका सम करते हैं तो भी उसमें एरर प्रोपोगेट होता है। डिफरेंस करते हैं तो भी एरर प्रोपोगेट होता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एरर प्रोपोगेट होता है। डिवाइड करते हैं तो भी एरर प्रोपोगेट होता है। तो ये सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एरर इन सम, फिर पढ़ेंगे एरर इन डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद एरर इन मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एरर इन डिवाइडेशन। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरर इन सम या एडिशन भी कह सकते हो आप सम को। तो फर्स्ट होगा अपना एरर इन सम या फिर इसको आप एडिशन भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है x = a + b, मतलब दो क्वांटिटीज का सम है ये। लेट a में जो एब्सोल्यूट एरर है ये है डेल्टा a। लेट एब्सोल्यूट एरर इन a = Δ A एंड एब्सोल्यूट एरर इन b = Δ B और एब्सोल्यूट एरर इन x = Δ x। क्लियर है? तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, इक्वेशन एक है। तो इसको जब एरर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे x ± Δ x, a को लिखेंगे a ± Δ a, प्लस बी को लिखेंगे b ± Δ b। क्लियर है? बिकॉज जो एरर है ये प्रोपोगेट हो जाएंगे अपने, तो ये एरर की फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। ये वैसे ही जैसे आपको अभी बताया था, लेंथ जो है उसको हम लिखेंगे 5 ±0.1। ठीक है? ये तो उसकी मेन वैल्यू होती है और ये होता है उसका एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो तो हो जाएगा x ± Δ x = a + b ± Δ a + Δ b। अब ये जो a प्लस बी है इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे x, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर लिख देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा x ± Δ x = a + b की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे x ± बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा Δ a + Δ b। x से x कैंसिल हो जाएगा, Δ a + Δ b। क्लियर है?
तो ये है, अगर मान लो अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स जो दो क्वांटिटीज के सम के इक्वल है, तो इसमें जो रिलेटिव एरर जो एब्सोल्यूट एरर आता है डेल्टा एक्स, वो इक्वल होगा इसका एरर और इसका जो एरर है उन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इधर देखो, जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है एल इक्वल्स टू टू प्लस 0.1, ये L1 है, ये L2 है 5 प्लस 0 प्लस माइनस 0.2, तो अपने को दोनों को ऐड करना है L1 प्लस L2, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं तो लेंथ आ जाएगी अपनी 5 प्लस 2 7, और एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0.2 और 0.1 0.3। तो ये जो दोनों को ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा उसको हम इस टाइप से लिखेंगे। क्लियर है? मीन वैल्यू में मीन वैल्यू ऐड कर देंगे और जो एब्सोल्यूट एरर हैं उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये अपना फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है एरर इन डिफरेंस। तो मान लेते हैं सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स है वो ए और माइनस ए और बी का डिफरेंस के इक्वल है। क्लियर है? अब देखो सपोज ए में जो एब्सोल्यूट एरर है उसको हम लिख लेंगे डेल्टा ए से, बी में जो एब्सोल्यूट एरर है उसको लिख लेंगे डेल्टा बी से, और एक्स में जो एब्सोल्यूट एरर है उसको लिख लेंगे डेल्टा एक्स से। तो ये लिख देते हैं हम, लेट एब्सोल्यूट एरर इन ए इक्वल्स टू डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर इन बी इक्वल्स टू डेल्टा बी, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। क्लियर है? तो अब हम एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, ए को लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस, बी को लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो ए माइनस बी जो है इसको हम लिख सकते हैं एक्स, तो इस ए माइनस बी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स, तो ये हो जाएगा अपना देखो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको समझना, डेल्टा बी देखो प्लस माइनस लिख दो या माइनस प्लस लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। कैसे? जैसे सपोज दैट एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस टू, तो इसका मतलब ये है एक्स की वैल्यू या तो टू है प्लस का या फिर माइनस का। अगर हम इसको ऐसे लिखें माइनस प्लस टू तो भी सेम ही मीनिंग होता है, तो कन्फ्यूज मत होना प्लस माइनस या माइनस प्लस में एक ही बात है। तो यहाँ से देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए, सॉरी प्लस माइनस को बाहर ले लो तो हो जाएगा ए प्लस बी। क्लियर है? तो ध्यान रखना अगर हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी जो एरर आता है एब्सोल्यूट एरर वो ऐड होगा ना कि सबट्रैक्ट होगा, और ये वैसे भी अपने को क्लियर हो जाना चाहिए। मान लो हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी में अगर एरर कर दिया है तो जब उसका हम माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर तो कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा आगे, वो कम नहीं होगा। इसलिए हमेशा जो एरर होते हैं वो प्लस ही होंगे, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो या फिर एडिशन करो। क्लियर है? ओके, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इधर देखो, ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, डेल्टा ए और डेल्टा बी आएगा इधर, प्लस माइनस तो हमने बाहर ले लिया था। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन, मान लो लेंथ L1 है 8
प्लस माइनस 0.1 और एल टू है 5 प्लस माइनस 0.2। क्लियर है? तो अब अपने को एल वन माइनस एल टू कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो मेन वैल्यू है उसको तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 माइनस 5 तो हो जाएगा 3। तो L1 माइनस L2 को हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस, अभी जो एब्सोल्यूट एरर है इसको ऐड करना है ना कि सब्ट्रैक्ट करना। देखो यहाँ पे क्लियर है, तो हो जाएगा 0.1 और 0.2 तो ये हो जाएगा 0.3। इसको हम इस टाइप से लिख देंगे। इसी को अगर आपको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखना हो तो देखो कैसे लिखेंगे, ये तो अपनी मेन वैल्यू है और ये होती है एब्सोल्यूट एरर। तो परसेंटेज एरर होता था मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू इनटू 100%। क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम परसेंटेज एरर की फॉर्म में ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहां तक अपना आंसर करेक्ट है। थैंक यू।